गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम श्योर आप सब बहुत अच्छे हैं। तो मैं फिर से आपके सामने हूँ, आपकी टीचर, आपकी दीदी, आपके मैम, जो आपको अच्छा लगे आप वो बोल सकते हैं। तो आज जो मैं कंटेंट लेके आई हूँ वो थोड़ा सा छोटे बच्चों को फोकस करते हुए लाई हूँ, बट डेफिनेटली ये मत सोचिएगा कि इससे आप कुछ नहीं सीख सकते हैं, आप भी सीख सकते हैं, क्योंकि कभी आप भी छोटे थे और शायद आपको इस तरह से आपकी टीचर ने शायद ना पढ़ाया। हो सकता है आप लोग बहुत लकी हो जो आपको बहुत ही अच्छी तरह से टीचर्स ने पढ़ाया हो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो, लेकिन आई एम श्योर आप में से कुछ बहुत अनलकी भी रहे होंगे जिन्हें शायद ऐसे नहीं समझाया गया होगा। तो हियर इज माय कंटेंट। आज का जो टॉपिक मैं ले रही हूँ वो है हमारा पिक्चर कॉम्पोजिशन। लेकिन ये सिर्फ एक पिक्चर कॉम्पोजिशन का टॉपिक नहीं है, पिक्चर कॉम्पोजिशन के साथ साथ इसी के अंदर हम सीखेंगे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। लेकिन शुरुआत करते हैं पिक्चर कॉम्पोजिशन से। आपको मेरे पीछे बोर्ड पे बड़ी कलरफुल ड्राइंग दिख रही होगी, कलरफुल तो नहीं है, वो ब्लैक एंड वाइट ही, कलर्स नहीं थे ना, लेकिन हाँ, बट श्योर आई एम टेलिंग यू आने वाले टाइम पे मैं बहुत जल्दी कलरफुल पेन्स लेके आने वाली हूँ जिससे मैं बहुत कलरफुल ड्राइंग बनाऊंगी और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो खैर, आज आपको एक पिक्चर दिख रही होगी, पीछे एक ट्री है, इसमें पास में एक हट है और एक कैट भी बैठी हुई है। उसके साथ साथ वहाँ पे मैं बनाना तो चाहती थी बहुत सारे फूल, लेकिन मुझे बहुत टाइम लग रहा है तो मैंने सिर्फ दो ही फूल बनाए हैं। तो आपको इसमें कुछ फ्लावर्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब हम पिक्चर कॉम्पोजिशन करते क्या है और ये होता क्या है। देखिए, पहले मैं आपको बता दूँ कॉम्पोजिशन क्या होता है। कॉम्पोजिशन मीन्स राइटिंग समथिंग। जब आप कुछ लिखते हो, कुछ भी लिखते हो, वो सब कहलाता है आपका कॉम्पोजिशन। लेकिन कुछ भी लिख देना कॉम्पोजिशन नहीं कहलाता है। कॉम्पोजिशन में आ जाता है आपका डिटेल्ड और मीनिंगफुल राइटिंग। आप कुछ ऐसा लिख रहे हो जो एक से दूसरे में रिलेटेड है, यानी एक दो तीन सेंटेंसेस आपने लिख लिए और वो मीनिंगफुल हैं, तो वो कहलाते हैं आपके कॉम्पोजिशन। तो मेरे ख्याल से आपको कॉम्पोजिशन का मतलब तो समझ में आ गया होगा, बट स्टिल आई डेफिनेटली गिव यू अ डेफिनेशन फॉर दैट, क्योंकि ये आपके लिए लंबे टाइम तक मेमोराइज करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम बात करते हैं कॉम्पोजिशन की, तो कॉम्पोजिशन होता क्या है। देखिए, ये हमारी गली के कुछ डॉग्स हैं बेचारे, वो डेली आते हैं इंग्लिश पढ़ने, तो वो आ चुके हैं अपनी अटेंडेंस देने। आई एम श्योर जितने भी मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं आप लोग भी आ जाइए ज़रा फटाफट अपनी अटेंडेंस सबमिट करने। सी, आप लोग पंक्चुअल हो जाए ना हो, लेकिन ये मेरे रेगुलर डॉग्स ये बहुत पंक्चुअल हैं, ठीक है। मेरे ख्याल से मुझे पिक्चर में कैट की जगह डॉग को बनाना चाहिए, नेक्स्ट टाइम आई डू दैट। सो कॉम्पोजिशन क्या होते हैं, इट इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग। Which gives information about any topic। यानी कॉम्पोजिशन क्या होते हैं, जो किसी भी टॉपिक के बारे में, कोई भी टॉपिक हो, हमें कुछ भी इन्फॉर्म करते हैं। अब आप अगर छोटे बच्चे हैं तो आप इस पिक्चर को अपने लेवल पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर आप 11th, 12th, 9th, 10th के बच्चे हैं, 7th, 8th के बच्चे हैं, तो मेरे ख्याल से आप इस पिक्चर के ऊपर एक दो पेज का ऐसे तो लिख ही देंगे, स्टोरी लिख डालेंगे, आप आर्टिकल लिख डालेंगे, आप सब कुछ लिख सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। बट फॉर स्टार्टर्स, जो अभी मेरे छोटे बच्चे हैं, UKG में हैं, फर्स्ट में हैं, सेकेंड में हैं, थर्ड में हैं, उनके लिए मैं बताऊँ वो कैसे शुरुआत कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले पिक्चर को ऑब्जर्व करते हैं कि हमें पिक्चर में क्या चीज़ें बहुत ही साफ साफ देखने को मिल रही हैं, ठीक। सबसे साफ तो हमें एक बड़ा सा पेड़ दिख रहा है। तो अगर इस पिक्चर को हम डिस्क्राइब करें, या हम इसको ये भी कह सकते हैं पिक्चर डिस्क्रिप्शन, हम ये भी कह सकते हैं डिस्क्राइबिंग एन इमेज, हम ये भी कह सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी राइटिंग स्किल्स के अंदर हम किसी भी जो टॉपिक है, जो भी हमारा कंटेंट है, उसको हम वेरियस टाइप से डिस्क्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं इसके अंदर, अ ट्री इज देयर, आप चाहें तो थोड़ा सा एडिशनल भी दे सकते हैं, इन द गार्डन। आपने क्या देखा,
अ ट्री इज देयर इन द गार्डन. सबसे पहले आपने ये देख लिया, ठीक है. फिर हमने क्या देखा, सेकेंड हमने देखा देयर इज अ हट, देयर इज अ हट अंडर द ट्री. और हमने क्या देखा, अ कैट इज सिटिंग, हमने देखा अ कैट इज सिटिंग. अब देखिए मैं आपको बताऊं पोजिशनल वर्ड्स के बारे में. पोजिशनल वर्ड्स आपको क्लास यूकेजी ऑनवर्ड्स ही पढ़ने पड़ते हैं, जहाँ पे पढ़ने क्या पढ़ते हैं, पढ़ने भी चाहिए, जिसमें हमें किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की या किसी थिंग की हमें पोजीशन पता चलती है. देखो अगर हम कैट की पोजीशन को डिस्क्राइब करें तो हम इसको तीन या चार अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं. कैसे, एक तो हम ये भी कह सकते हैं द कैट इज सिटिंग अंडर द ट्री, यानी पेड़ के नीचे बैठी हुई है, ठीक है. हम ये भी कह सकते हैं द कैट इज सिटिंग बिहाइंड द हट, हट के पीछे बैठी हुई है, ये भी कह सकते हैं. हम और क्या कह सकते हैं, इट इज सिटिंग बिटवीन हट एंड ट्री, यानी झोपड़ी और पेड़ के बीच में जो जगह है वहां पे बैठी हुई है, कह सकते हैं ना. तो हम इसके लिए जो मुझे परफेक्ट इसकी पोजीशन दिख रही है वो ये दिख रही है कि वो पेड़ के नीचे बैठी हुई है, ठीक है. तो अ कैट इज सिटिंग अंडर द ट्री. और हमने क्या देखा, हमने यहाँ पे फ्लावर्स देखे, तो हम ये भी लिख सकते हैं देयर आर, आप चाहो तो टू लिख दो क्योंकि मुझे बहुत सारे बनाने थे तो मैं लिख दूंगी सम फ्लावर्स, ठीक है, या फ्यू फ्लावर्स आप लिख सकते हो. चलो एक और बना देती हूँ थोड़ा अच्छा सा सुंदर सा, और आपको फ्लावर बनाना भी सिखा देती हूँ, फ्लावर बनता कैसे है, ठीक है. अगर आपने अभी नहीं सीखा तो चलिए एक और लीजिए. पहले बीच में एक सर्कल बनाएंगे, फिर कॉर्नर में इसकी फाइव पेटल्स की थोड़ी पोजीशन देते हुए हम फ्लावर को बना सकते हैं. अब बस हमने नीचे के लिए इसके एक स्टेम जॉइन कर दी और फिर साइड में हमने लीव्स निकाल दी, हो गए हमारे फ्लावर्स. तो अब नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं, देयर आर फ्यू. मैं फ्यू इसलिए लिख रही हूँ बिकॉज आई न्यू दैट आई हैड टू ड्रॉ वेरिएंट मेनी फ्लावर्स, ठीक है. लेकिन अगर दो चार हैं तो हम आसानी से काउंट कर सकते हैं. आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो देयर आर फोर फ्लावर्स इन द पिक्चर, आप ये भी लिख सकते हो, ठीक है. तो आई एम राइटिंग देयर आर फ्यू फ्लावर्स ऑल्सो, ठीक. अब क्योंकि ये देखिए ये ग्रासेस हैं, ग्रास कह सकते हो आप, सही है. तो आप कह सकते हो आई कैन सी ग्रास इन द पिक्चर, आपको पिक्चर में और क्या दिख रहा है, ग्रास भी दिख रही है ना. तो आप लिख सकते हैं आई कैन सी ग्रास ऑल्सो इन द पिक्चर. क्योंकि अभी आप यू आर वेरी स्मॉल, आप लोग क्लास वन में हैं, क्लास टू में हैं, यूकेजी में भी हैं, थर्ड में भी हैं, तो आई थिंक दिस मच डिस्क्रिप्शन इज इनफ. मेरे ख्याल से आपके लिए इतना डिस्क्रिप्शन काफ़ी है, फाइव टू सिक्स स्टेटमेंट्स. या आप चाहें अगर आपको पिक्चर और ज़्यादा, मान लो अगर मैं यहाँ पे एक सन भी बना दूँ, है ना, मान लीजिए तो आप क्या डिस्क्राइब कर सकते हैं, सन इज शाइनिंग ब्राइटली. आप ऐसा भी कर सकते हैं इट इज मॉर्निंग टाइम, ऐसा भी कर सकते हैं. यानी डिस्क्रिप्शन के साथ साथ आपकी इमेजिनेशन. देखो हर बच्चा इसको अलग तरह से देखेगा, किसी को लगेगा इट इज सनसेट टाइम बिकॉज ये कलरफुल तो है नहीं, और अगर कलरफुल नहीं है तो आप इसको अपने हिसाब से डिस्क्राइब कर सकते हो. आप इसको मॉर्निंग टाइम भी कह सकते हो, आप इसको सनसेट टाइम भी कह सकते हो, आप यहाँ पे सन को डिस्क्राइब कर सकते हो दैट मॉर्निंग इज वेरी ब्यूटिफुल, सन इज शाइनिंग ब्राइटली, द सन शाइन्स इन द स्काई. आप अपने हिसाब से कर सकते हो. मान लीजिए यहाँ पे मैंने कुछ बर्ड्स बना दी, कुछ ऐसी होती है ना,
अगर हम लोग सिंपल वर्ड्स बना देते हैं तो ऐसी होती है ना, तो हम ये भी लिख सकते हैं बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई, हम ये भी कर सकते हैं। देखिए अभी हमारे पास 5 स्टेटमेंट्स थे, अब हमारे पास 2-3 स्टेटमेंट्स और बढ़ गए। आई एम श्योर आपको समझ में आए होंगे और आप इसको फर्दर लिख सकते हैं अपने आप। अगर आप चाहें तो यहाँ पे ट्री को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, दैट ट्री इज हैविंग मेनी ब्रांचेस। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? पेड़ में बहुत सारी ब्रांचेस हैं, आप कर सकते हैं। इट इज अ वेरी टॉल ट्री या इट इज अ वेरी बिग ट्री, आप ट्री को और डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो अगर आप चाहें तो आप पहले तो मेजर या बेसिक 4-5 सेंटेंसेस लिखें और फिर उनके ऊपर और लंबा डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो लंबे डिस्क्रिप्शन के लिए यहाँ पे हमारी क्लास 3rd और 4th भी कवर हो जाती है। आई एम श्योर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये पिक्चर कॉम्पोजिशन और इसका डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया है तो अब मैं आपको बताती हूँ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज क्या होते हैं। यानी इसी टॉपिक के अंदर हम लोग दो कंटेंट सीखेंगे, एक हम सीखेंगे पिक्चर कॉम्पोजिशन, दूसरा हम सीखेंगे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। तो जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक है मैं कुछ भी इरेज करने वाली नहीं हूँ। हाँ मैं आपको इतना ज़रूर करूँगी कि आपको कुछ सेकंड्स दूंगी, आप आराम से इसको नोट डाउन करिए अपनी नोटबुक में, बहुत अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर करिए। गाइज आई एम श्योर मैं वापस आ गई हूँ। आई एम श्योर आपने पिक्चर कॉम्पोजिशन का पार्ट बहुत अच्छे से नोट कर लिया होगा और कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट भी लिया होगा, बट आई एम टेलिंग यू इसको नोट ज़रूर करिएगा क्योंकि ये लंबे टाइम तक आपके आपको पिक्चर कॉम्पोजिशन तक मेमोराइज कराते रहेंगे। ठीक है तो चलिए अब हम लोग स्ट्रेट अवे बढ़ते हैं इसी से रिलेटेड हमारे न्यू टॉपिक की ओर, जो था हमारा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज को अनसीन पैसेज भी कहते हैं, तो ठीक है आप जो चाहो आप वो कह सकते हो, लेकिन मुझे बोलने में भी और बताने में भी थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन पैसेज थोड़ा अच्छा सा लगता है, स्टैंडर्ड सा लगता है। अनसीन पैसेज तो ऐसा लगता है जैसे हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं ना वो बोलते हैं अनसीन पैसेज। तो खैर यहाँ पे हम लोग कोई डिस्कशन इस मैटर पे नहीं करेंगे। तो अब मैं आपको बताऊँ कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में क्या होता है। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में दो बातें हो सकती हैं, एक आपको पिक्चर दी हो सकती है और पिक्चर का डिस्क्रिप्शन भी दिया हो सकता है, ठीक है। दूसरा आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिया होता है, यानी एक पैराग्राफ दे देते हैं। अब मान लो हमारे पास तो पिक्चर भी है और उसका डिस्क्रिप्शन भी है, अब क्या करते हैं कॉम्प्रिहेंशन में इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे एक या दो क्वेश्चन ले लेती हूँ। मैं एक क्वेश्चन ले लेती हूँ, पहला How many flowers can you see in the picture? यानी पिक्चर के अंदर आप कितने फ्लावर्स देख सकते हैं, और आप सबके मुंह से अब तक निकल चुका होगा I can see 4 flowers in the picture। अब मैं आपको यहाँ बता दूं, जो हमारे थोड़े छोटे बच्चे हैं लाइक UKG के बच्चे हैं Class 1, Class 2, दे कैन सिंपली गिव आंसर इन अ वर्ड, वो बहुत सीधे और कम शब्दों में अपना आंसर दे सकते हैं 4 flowers इनफ, ठीक है। लेकिन जो थोड़े बड़े बच्चे हैं 3rd के हैं 4th के हैं वो उनके लिए क्या 4 flowers इनफ होगा बताइए आप? आपके लिए 4 flowers इनफ नहीं होगा। अगर आप स्टेटमेंट लिखेंगे तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा। यहाँ पे कई बार बच्चे बड़ा प्रॉब्लम करते हैं, स्कूल में भी अपनी टीचर से बार बार पूछते हैं, घर पे भी मम्मा को बहुत परेशान करते हैं, मम्मा मैं डायरेक्ट आंसर दे दूँ या पूरा स्टेटमेंट लिखूँ? भाई आपका जो लेवल है, अगर आप छोटे बच्चे हो आप डायरेक्ट आंसर दे दो, अगर आप सीनियर बच्चे हो यू आर अ ग्रोन अप चाइल्ड, सेंटेंस भी तो सीखने हैं। कैसे सीखेंगे जब तक आप अपने आप लिखेंगे नहीं, आप कैसे सीखेंगे, है ना? तो आप अपने आंसर को स्टेटमेंट में कंप्लीट सेंटेंस में दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं छोटे बच्चों के लिए, हमारे प्यारे स्वीट लिटिल किड्स के लिए मैं यहाँ पे आंसर दे रही हूँ 4 flowers, और जो बच्चे स्टेटमेंट में लिखना चाहे वो ऐसे भी लिख सकते हैं
देयर आर फोर फ्लावर्स, इसको थोड़ा और बड़ा कर दो, देयर आर फोर फ्लावर्स इन द पिक्चर, थोड़ा और अच्छा कर दो, आई कैन सी फोर फ्लावर्स इन द पिक्चर। ठीक है, अब अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन बना लूं तो आप क्या लिख सकते हैं, विच एनिमल कैन यू सी इन द पिक्चर। तो भाई एक ही एनिमल दिख रहा है मुझे, बड़ी स्वीट सी, छोटू सी और बड़ी अच्छी लग रही है यार ये बिल्ली, तो हम कह सकते हैं आई कैन सी अ कैट इन द पिक्चर, या फिर देयर इज अ कैट इन द पिक्चर, है ना। तो मैं यहाँ पे दो क्वेश्चन ले रही हूँ यहाँ पे सिर्फ। Which animal is there in the picture? तो छोटे बच्चे हमारे प्यारे स्वीटू लिटिल किड्स क्या लिख देंगे, वो लिख देंगे There is a cat. There is a cat. ठीक है, हमें लग रहा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यू ऑल हैव अंडरस्टूड द कंटेंट, आपने पिक्चर कॉम्पोजिशन भी कवर किया और आपने कॉम्प्रिहेंशन पैसेज भी कवर किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, और अगर आप ऐसी ही बेहतरीन चीज़ें सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को प्रेस भी करें। सो गाइज, आई विल बी डेफिनेटली ब्रिंगिंग अ नेक्स्ट वीडियो फॉर यू ऑल, जिसमें आपको और मजा आने वाला है। बाय बाय, टेक केयर एंड एंजॉय।